महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी रोजगार पदोन्नति के झूठे वादे और पहचान गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाई। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो कोई प्रावधान नहीं था, बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था, अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले रहे हैं। मान्यवर, एक 324 इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी, मानो कोई अपाहिज हो गया, ब्रेन डेड हो गया, मृत्यु नहीं हुई, पूरा पैर कट गया, हाथ कट गया, तो भी 7 साल की सजा थी और किसी को थोड़ा लगा रिपेयर होकर एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गया तो भी 7 साल। हमने दोनों को अलग कर दिया हमेशा के लिए। अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो आजीवन कारावास में बदलना होगा। बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। मान्यवर, अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे, अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं, 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ। मान्यवर, इस प्रकार के मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है, अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर रातद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा। एक और हमने रातद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1888 और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो, इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे, तो कुल मिलाकर सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा।